बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहुन्ना सैयदना व मौलाना मोहम्मदन माहवालू। अस्सलामुअलैकुम तमामी वाईटी फैमिली को जी खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आप तमामी दोस्तों के साथ जी लौकी रबड़ी खीर की रेसिपी जो है शेयर करेंगे। लौकी खीर की रेसिपी जो हम शेयर करेंगे आप तमामी दोस्तों के साथ। और जी कितने अफराद का जी हमने खाना बनाया था ये जो हम सब बताएंगे जी आपको इसी वीडियो में, तो आप लोग जी हमारे साथ जी जुड़े रहिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि जी लौकी खीर जो है किस तरीके से बनेगी। तो लौकी खीर जो बनेगी उसमें फिर हम जो इसमें रबड़ी भी शामिल करेंगे, तो यानी कि जी लौकी रबड़ी खीर जी हम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध ले लिया जी हमने, दूध है हमारे पास जी 15 किलो। तो दूध को जी हम अच्छे तरीके से जी हम पकाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी इस टाइम दूध को जी अच्छे तरीके से जी पकाया जा रहा है। तो इससे पहले भी जो है आप लोगों ने जी हमारी जो है खीर की रेसिपी देखी होगी, गाजर रबड़ी खीर की रेसिपी भी जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, तो वो रेसिपी भी जो है आप लोग लाजमी देखिएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग दूध में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जी उबाल आ गया है। तो उसके बाद फिर हमने इसमें जी खीर दाना जिसमें शामिल कर दिया है, खीर दाना हमने इसमें शामिल करा है जी 1.5 किलो। तो ये देख सकते हैं तो दूध में हमारा अच्छे से उबाल आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हमने जी इसमें खीर दाना इसमें शामिल करा है, उसको जी हमने पहले जी भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे पहले। और ये आप लोग देख सकते हैं जी इस टाइम जो है खीर दाने को जी दूध में जी पकाया जा रहा है। तो आप लोग देख भी सकते हैं जी इस टाइम जो मुस्तकिल जो है इसमें जी कपगीर भी जो है चलाया जा रहा है और खीर दाना जी इसमें जी अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए जी ये जी लौकी, लौकी को जी हमने अच्छे से जी कद्दूकश कर लिया था और इसका जी हमने अच्छे से जी पानी में धो के इसको छन्ने में निकाल लिया था। जब इसका पानी खुशा हो गया है तो उसके बाद फिर हम इसको जी खीर में जी शामिल कर देंगे, यानी कि जी दूध में शामिल कर दिया है हमने लौकी को अपने। ये देख सकते हैं अच्छा जी लौकी का वज़न मैं आपको बता देता हूँ, लौकी का जी वज़न है जी इसमें जी 2 किलो। साथ ही जो है लौकी को जी हम इसमें जी हम अच्छे से जी हम पकाएंगे और फिर इसमें जी हम इसमें शामिल करेंगे जी इलायची पाउडर तकरीबन जी 10 ग्राम के करीब। और ये देख सकते हैं जिस टाइम जो है इसमें जी अच्छे से जिसमें कबीर भी चलाया जा रहा है और लौकी को जिसमें जी अच्छे तरीके से जी पकाया भी जा रहा है। साथ ही जो ये हमारे लज्जत कर पकवान के जी ऑनर है मोहम्मद यामिन रमानी, सारे खाने जी इनकी ज़ेर सरपरस्ती में जी तैयार किए जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं जी इस टाइम जो है इसमें जी अच्छे से जी कबगीर भी चलाया जा रहा है और ये लौकी भी आप लोग देख सकते हैं जी लौकी भी इसमें हमारी जी अच्छे तरीके से जी पक रही है। जब खीर दाना हमारा इसमें जी अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसमें हमने खोया शामिल करा है। तो खोया हमने इसमें शामिल किया है जी 1.5 किलो। ये देख सकते हैं जी खोया इसमें, ये देखिए जी खोया 1.5 किलो खोया जी हमने इसमें शामिल कर दिया, इसको जी अच्छे से जिसमें हम कबगीर भी चलाएँगे। खोया हमारा इसमें शामिल हो चुका है तो इसको जी अच्छे से जी इसमें हम कबगीर भी चला रहे हैं ताकि जी खोया जो है हमारा इसमें अच्छे से जी हल हो जाए। तो जब हमारी खीर जी तकरीबन जी तैयारी पे आ जाएगी तो इसके बाद इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी इसमें हम शामिल कर रहे हैं जी 4 किलो। ये देख सकते हैं जी चीनी जो है हमारी इसमें शामिल हो चुकी है, साथ ही इसमें जी हम कबगीर भी चलाएँगे ताकि जी चीनी जो है हमारी इसमें जी अच्छे से जी मेल्ट हो जाए, यानी कि जी हल हो जाए। ये देख सकते हैं जी आप लोगों को जी कबगीर से जी मैं दिखा रहा हूँ, चीनी जो है अभी भी इसमें जी बाकी है। तो इसमें जी हम कबगीर चलाते रहेंगे और जैसे ही हमारी चीनी इसमें अच्छे से जी मेल्ट हो जाएगी उसको फिर हम चूल्हे से जी नीचे उतार लेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी मुस्तकिल जिसमें जी कबगीर भी चलाया जा रहा है और ये आप लोग देख भी सकते हैं जी लौकी भी जो हमारी इसमें अच्छी तरीके से जी पक चुकी है। ये देख सकते हैं चूल्हा भी हमने बंद कर दिया है और ये देखिए जी खीर भी जो है हमारी जी तैयार हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं जिस टाइम जो खीर हमारी तैयार है, तो चूल्हा भी जो हमने बंद कर दिया, इसको जब हम जो है चूल्हे से जी हम अलग कर लेंगे देख को। चलते हैं जी साथ ही जी अपने गोश्त की जानिब। ये देखिए जी गोश्त, ये जी बिरयानी का गोश्त है जी। तो बिरयानी के गोश्त में ये देख सकते हैं जी खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची और नमक, लहसुन जो है इसमें हमने शामिल कर दिया है। तो 16 किलो गोश्त है जी और इसको जी अब हम जो गोश्त को जी हम चढ़ा रहे हैं, यानी कि जी गोश्त हमारा जी अच्छे से जी टेंडर हो जाए, यानी कि जी गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। तो इसको हमने ढक्कन से हमने कवर कर दिया, साथ ही जब हम जो है चूल्हा भी खोल लेंगे अपने गोश्त का। तो 125 अफराद का जी हम खाना तैयार कर रहे हैं। तो 125 अफराद के खाने में जी हमारे पास है जी आज लौकी रबड़ी खीर, बीफ बिरयानी और बीफ कौरमा, दानेदार दिल्ली का बीफ कौरमा जी तैयार किया जा रहा है जी हमारे लज्जत का पकवान पे। और ये देख सकते हैं जी गोश्त में भी जो हमारे अच्छे से जी खटकी जो है हमारी, ये देख सकते हैं आप लोग जी बहुत ही अच्छे तरीके से खटकी भी आ गई है इसमें।
तो जी ये देख सकते हैं आप लोग जी, गोश्त भी जो है मैं आप लोगों को चेक कर रहा हूँ, गोश्त में भी हमारी हल्की सी कसर है। तो साथ ही जो इसमें अब हम जो है कुटी हुई लाल मिर्चें भी जो इसमें हम शामिल करेंगे। ये आप पहले आप लोग ये देखिए गोश्त की जो लुक है वो आप लोग देख सकते हैं, और जी कितने अच्छी तरीके से जी गोश्त में जी हमारी खटकी भी आ रही है। तो अब जो है इसमें हम जी कुटी हुई लाल मिर्चें जो इसमें अब हम शामिल करेंगे, क्योंकि गोश्त ये हमारे जी हल्की सी कसर है गोश्त में। तो ये देखिए जी कुटी हुई लाल मिर्च जो इसमें जी शामिल की जा रही है, और साथ ही जो इसमें फिर हम शामिल करेंगे जी मिर्चें, मलिर की मिर्चें भी जो इसमें जी शामिल हो चुकी हैं गोश्त में। और ये देखिए जी साथ ही है जी हमारे पास कौरमे का गोश्त, तो बीफ दानेदार कौरमा जी हमारे पास तैयार किया जाएगा। उसमें जी हम गोश्त में जी पहले कफगी चला लेंगे, अच्छे से जी मिक्स कर लेंगे बिरयानी वाले गोश्त को। तो ये आप लोग देख सकते हैं, याद रहे ये बम्बई देख जो है इसमें जी हमारा बिरयानी का गोश्त है, सिंधी देख जो है इसमें ये गोश्त जो है हमारा सिंधी देख में ये है जी कौरमे का गोश्त। तो साथ ही जो है इसमें जब हम ऑयल शामिल करेंगे तो दिल्ली का दानेदार बीफ कौरमा जी तैयार किया जा रहा है 125 अफराद के खाने में। तो गोश्त है जी हमारे पास जी 16 किलो, तो 16 किलो कौरमा जी हम तैयार करेंगे। साथ ही जो इसमें हमने दही शामिल किया जी 4 किलो, ये देख सकते हैं जी 4 किलो दही, 4 किलो जी हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। साथ ही जो इसमें लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची ये हमने इसमें शामिल कर दी है, और साथ ही इसमें हम नमक शामिल करेंगे, नमक हमने इसमें शामिल करा है जी हसबे जायका। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी लहसुन का पानी। अच्छा जी साथ ही जो है मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसमें हम जो है कौरमे में हम लहसुन का पानी शामिल करते हैं, क्योंकि बहुत से दोस्तों की जो है कमेंट्स होती है जी कौरमे वाली वीडियो में कि आप लोगों ने लहसुन शामिल नहीं कराया, तो भाई लहसुन का पानी जो है कौरमे में हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो लहसुन को जी हमने पहले अच्छे से जो हम कूट लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लहसुन का पानी, लहसुन में पानी को हल करने के बाद फिर वो लहसुन का पानी जो है हम कौरमे में जी हम शामिल कर देते हैं। ये देख सकते हैं जी इस टाइम इसको जी अच्छे से जी अब हम मिक्स करेंगे कफगीर की मदद से। तो साथ ही मैं हम तमाम दोस्तों से कहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक के हमारे चैनल को जी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जी आप लोग जल्दी से जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाते हैं जी आप तमाम ही दोस्तों के लिए जी मज़ेदार खानों की रेसिपी। और ये देख सकते हैं आप लोग चूल्हा हमने खोल दिया, और साथ ही हमने इसको ढक्कन से हमने कवर कर दिया है। तो गोश्त जैसे हमारा जी टेंडर होता है, गलता है, तो फिर हम आप लोगों से दोबारा से मिलते हैं। तो ये देखिए साथ ही हमारे पास चिकन बिरयानी का आर्डर भी था, तो ये बिरयानी की जो ये चिकन बिरयानी की सेटिंग हो रही थी, ये देखिए गोश्त में हमारे जब अच्छे से कट किया गया था, फिर हमने इसमें जी कफगीर भी चलाया है, ये आप लोग देख सकते हैं जी इस टाइम। ये देखिए तो कौरमा अभी जो है अभी हमारा तैयार नहीं है, अभी हमारा जो है तकरीबन समझे कौरमा काफ़ी जो है टाइम लगेगा जी बनने में। तो ये देख सकते हैं आप लोग बिरयानी का गोश्त ये जो है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से जी गल चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग इसकी एक एक बोटी जो मैंने आप लोगों जी मैं ये चेक करा रहा हूँ। तो 125 अफराद का जी हमारे पास जी आर्डर था, तो 125 अफराद के खाने में जी 16 किलो बिरयानी, 16 किलो जी कौरमा और 15 किलो जी खीर ये हमने तैयार करी है, ये आप लोग देख सकते हैं। कुछ ही टाइम बाद फिर कौरमे की देख का जो ढक्कन है वो हमने रिमूव करा है, उसके बाद फिर उसमें हम कबली चलाएँगे, और साथ ही जो मैं आप लोगों को जी गोश्त भी दिखाता हूँ। तो गोश्त भी जो है हमारा जी इस टाइम जो है तैयारी पर है, तो इस पर फिर हम इसमें कौरमे के जो मसाला जाते हैं वो उसमें हम शामिल करेंगे। सबसे पहले जिसमें हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे 150 ग्राम, और उसके बाद फिर हम शामिल करेंगे जी 150 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्च। तो ये देख सकते हैं जी हमारे लज्जत कड़ा पकवान के ऑनर मोहम्मद यामिन रमानी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि जी सारे खाने जिनकी ज़ेर सरपरस्ती ज़ेर निगरानी में जी तैयार किए जाते हैं। तो दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसमें जी अच्छे से जी हम कफगीर भी चलाएंगे, ये आप लोग देख सकते हैं जी इस टाइम कफगीर जो है इसमें चलाया जा रहा है, और ये आप लोग देख सकते हैं जी कौरमे की जो लुक है अभी तैयार नहीं है, तो आप लोग जो कौरमे की जो लुक अभी है तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी कौरमा जी दानेदार कौरमा जी हमारा कैसा बना होगा। ये देखिए जी, तो इस तरह इसको जी आप जो है नल्ली कौरमा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जी कस्टमर की डिमांड थी कि जी कौरमे में जो है नल्ली भी होनी चाहिए। तो ये देखिए अब इसमें जी हम शामिल कर रहे हैं जी प्याज, तो प्याज इसमें हम शामिल कर रहे हैं जी 4 किलो। ये देखिए अगर आप लोग इसको जो है नल्ली कौरमा कहेंगे तो ये भी जो है एक तरीके से सही है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि भाई कौरमे में जो है नल्ली जो है लाजमी हो, बिरयानी में हो ना हो, कौरमे में जो है नल्ली जो है लाजमी होनी चाहिए।
ये कस्टमर की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है कोरमे में जी हमने नली भी जो हमने भरवा दी थी। तो ये देखिए जी, अब इसमें हम खुशबू के लिए जी इसमें हम केवड़ा भी जो इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, साथ ही हमारी एक सब्सक्राइबर फैमिली है, उनका जी सवाल आया जी मेरे पास, भाई केवड़ा किस कंपनी का यूज़ करते हैं और कौन सा, कोई स्पेसिफिक नेम बता दें। हम तो वैसे भी रू केवड़ा मिलता है शॉप से डिफरेंट ब्रांड का, तो जो आप यूज़ करते हैं वो बता दें। अच्छा जी, हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं सईद गनी का जी कैमरा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। काफ़ी ब्रांड के जी रू कैमरा मिलते हैं, पर जो बेस्ट है वो है जी सईद गनी का। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं, साथ ही जो हमारे कोरमे की लुक, तो ये जो है कोरमे का जो दाना है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि जी कितना जो है अच्छा जी हमारा कोरमे का जो दाना है वो जी बन चुका है, और साथ ही जो इस टाइम जो हमारे कोरमे की जो बुनाई है वो जी चल रही है इस टाइम। तो ये देखिए आप लोग नली, तो आप लोग जो है इसको जी नली कोरमा भी कह सकते हैं। तो आप लोग बताएगा कमेंट बॉक्स में कि जी नली कोरमा, अगर जी मैं इसको कहता हूँ कि जी वो सही है या नहीं, तो ये आप लोग जी लाजमी जी बताएगा। और साथ ही जो इसकी जी अभी हम बुनाई भी अच्छे से करेंगे, और ये देखिए जी कोरमे की लुक जो है आप लोग देख सकते हैं, कोरमे का दाना भी देख सकते हैं कि जी कितना अच्छा जी कोरमे का जो दाना है वो जी बन चुका है। अच्छा जी, थोड़ा जी अब इसमें हम शामिल करेंगे जी लहसुन का पानी, क्योंकि इसमें जी अभी थोड़ी सी जी ज़रूरत महसूस हो रही है, तो इसमें फिर हम जो है लहसुन का पानी भी जो इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं लहसुन का पानी भी जो इसमें जी शामिल किया जा रहा है। और साथ ही जी इससे पहले जी मैंने फ़िश फ्राई की रेसिपी जो मैंने अपलोड की थी, तो जिस पार्टी का काम किया था तो जी उस पार्टी ने भी जो है कमेंट्स करी है, तो भाई वो उनकी कमेंट्स भी मैं आपको बताता हूँ। दिस फिश वाज अमेजिंग एंड वेरी टेस्टी, मैनी गेस आस मी वो कुक द फिश, थैंक्स लजत कड़ा एंड यामिन अंकल। बहुत बहुत शुक्रिया जी उसामा अशफाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये मैं आप लोगों को बताऊँ, ये उसामा अशफाक भाई जो हैं, ये जो फिश फ्राई की रेसिपी थी तो ये इन्हीं की शादी में जी तैयार की गई थी फ़िश फ्राई। तो ये हमारी सब्सक्राइबर फैमिली का भी हिस्सा है उसामा अशफाक भाई, और ये देखिए जी अब मैं जो है ये हमारा कोरमा अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयार है। ये मैंने आपको जिसका जी कोरमा जो देख का ढक्कन है वो रिमूव करके दिखाया है, और इसको जब हम जी दो देगों में जी हम बराबर से जी हम तकसीम कर लेंगे। ये देख सकते हैं जी कोरमे की जो लुक है वो देख सकते हैं, दो देगों में जी हम बराबर से जी कोरमे को तकसीम कर लेंगे। और जब हमारा अब हम जो है दो देगों में जी हम बिरयानी का जो गोश्त है उसको भी जी हम दो देगों में जी हम बराबर से तकसीम कर लेंगे। ये देखिए जी ये एक देग, और साथ ही जो है ये देखिए जी ये दूसरी देग। तो ये देख सकते हैं दोनों देगों में जी हमने बराबर से जो है गोश्त शामिल कर दिया है, और गोश्त को अच्छे से हमने जी सेटिंग करने के बाद फिर हमने इसमें जी हल्दी शामिल करी है। हल्दी के बाद जो है फिर इसमें हमने ये देख सकते हैं, अमूमन आपने देखा होगा हमारी बिरयानी, तो उसमें जो बिरयानी में टमाटर, लीमू जो है, गर्म मसाला, धनिया पुदीना, प्याज, आलू बुखारा, अदरक जो हम अलग अलग जो है अलग अलग करके शामिल करते हैं, आज जो हम तमाम चीज़ें जो इसमें मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए जी बिरयानी का गरम मसाला, टमाटर, लीमू, धनिया पुदीना भी जो है इसमें शामिल हो रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग बारीक बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जी प्याज। तो ये आप लोग जो है परेशान नहीं होइएगा, ये देख सकते हैं ये चीज़ें जब हम अलग अलग लगाते थे, तो ये चीज़ें जब हम जो है सारी एक साथ मिक्स करके फिर हम इसमें शामिल करेंगे। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में करके पूछते हैं, भाई ये आज आपने अलग तरीके से बनाया था, भाई एक बिरयानी काफ़ी तरीके से बनती है, तो अब जो इसको जी अब अच्छे से जी अब हम मिक्स भी करेंगे। ये देखिए मिर्च है और ये अदरक इसमें कुटी हुई है, और साथ ही जो अदरक जो है इसमें हम काट के भी जो इसमें बिरयानी में हम शामिल करेंगे। ये देखिए अब इसको जी अच्छे से जब हम मिक्स करेंगे, ये देखिए ये अदरक भी आ गई, मिर्चें कुटी हुई, अदरक कुटी हुई, मिर्चें और कटी हुई अदरक भी जो इसमें शामिल है, इसको जी अच्छे से जब हम मिक्स करेंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी जो हमने इसमें और शामिल कर दी, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी बिरयानी जो है स्पाइसी होनी चाहिए। तो ये देखिए इसको अच्छे से अब हमने मिक्स कर दिया। साथ ही जो इसमें जी पहले हम जो है घी लगाएंगे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि बिरयानी जो है घी में होनी चाहिए। तो ये देखिए कस्टमर की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए जो है बिरयानी जो हमने घी में बनाई थी, ये देखिए ये तमाम जो बिरयानी का मसाला है इसको जी हम गोश्त के ऊपर जी फैला देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम। तो जी साथ ही जब हम इसमें जी खुशबू के लिए जी बिरयानी एसेंस और जी केवड़ा जो इसमें हम शामिल करेंगे। ये देखिए जी बिरयानी एसेंस और जी केवड़ा जो इसमें जी शामिल किया जा रहा है। पहले जी हमने बिरयानी एसेंस शामिल करा, उसका जी अब हम जो है बिरयानी के लिए जी खुशबू के लिए जी रूह केवड़ा भी जो इसमें शामिल कर दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग,
ये आप लोग ये देखिए जी बिरयानी की जो लुक है अभी अभी हमारी तैयार नहीं है। तो साथ ही इसमें अब हम जो है दही भी शामिल करेंगे, ये देखिए दही जो इसमें जी शामिल किया जा रहा है। साथ ही जब हम अपनी बिरयानी को भी जब दम पे लगाएंगे तो ये देखिए साथ ही हमने चूल्हा भी खोल लिया, चावल को जी हमने बॉइल करके जी देख में जी हमने शामिल कर दिया था। ये देखिए जी अब हम जो है बिरयानी को जी दम पे भी लगाएंगे तो ये देखिए एक एक करके जी हमने अपनी दोनों देगों को जी दम पे लगा देंगे। अभी लगाने के बाद हम जो है दोनों देगों को जी हम ढक्कन से जी हम कवर कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग दोनों देगों को जी हमने ढक्कन से हमने कवर कर दिया है और ये बिरयानी जो हमारी जो है दम पे जी लग चुकी है। तो ये देखिए साथ ही जो है खीर, खीर में जब हम रबड़ी शामिल करेंगे तो रबड़ी हमने इसमें शामिल करी है जी 2 किलो। अच्छा जी खीर को जो हमने ठंडी करा था तो बर्फ़ में जो हमने खीर की देख हमने रख दी थी बर्फ़ को, एक जो है पतीले में शामिल कर दिया था बर्फ़ को, उसके बाद फिर हमने उस पतीले में हमने देख रख दी थी। तो खीर जो हमारी अच्छे से जी देख सकते हैं चिल भी हो चुकी है। तो साथ ही जो है इसमें हमने रबड़ी इसमें हमने शामिल कर दी है, इसको हम कबीर की मदद से जी मिक्स करेंगे। फिर साथ ही इसमें हम फिर ड्राई फ्रूट जो इसमें हम शामिल करेंगे। तो ड्राई फ्रूट में है जी हमारे पास बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, पाचो मगज और जी पिस्ता। तो ये देखिए तमाम ही मेवाजात जो इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये सारा मेवाजात हम शामिल नहीं करेंगे, आधा मेवाजात जो इसमें हम शामिल करेंगे, आधा मेवाजात जब हम खाने में सर्व करेंगे तो फिर ऊपर से जी हम गार्निशिंग के लिए फिर इसमें हम ऊपर से इसमें हम शामिल कर देंगे। तो ये देख सकते हैं मेवाजात शामिल करने के लिए इसको जी अच्छे से हमने जी मिक्स भी कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम खीर जो है हमारी आप लोग देख सकते हैं लौकी रबड़ी खीर जो हमारी कितनी अच्छी तरीके से जी तैयार हो चुकी है। और अब हम चलते हैं जी अपनी बिरयानी की जानिब। ये देखिए जी बिरयानी के देख का जी ढक्कन हमने जी हटा दिया है और जी फुल जो है स्टीम जो है बाहर निकल रही है। और ये देखिए जी बिरयानी की लुक आप लोग, बहुत ही उम्दा बहुत ही मज़ेदार सी जो है खुशबू भी आ रही थी जिस टाइम बिरयानी में से। तो ये देख सकते हैं आप लोग बिरयानी की जो लुक। तो ये एक देख है जी हमारी बिरयानी की। तो साथ ही जो है दूसरी देख भी जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो मसालेदार जी बिरयानी हमारी तैयार हुई थी। तो ये देख सकते हैं आप लोग पहली देख जी हमारी तैयार है। अब हम दूसरी देख की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी दूसरी देख हमारी। तो आप लोग जो स्टीम से जी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी कितनी जो है देख गर्म होगी। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं मसालेदार जी हमारी बीफ बिरयानी, बिरयानी हो वो भी बासमती चावल में हो वो भी हो मसालेदार। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छा जो है चावल भी हमारा जी खिला खिला आया है। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं जी आप लोग बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी तैयार है। साथ ही जो इसमें हमने ऊपर से जी फिर आयल भी जो इसमें हम शामिल कर देंगे। देखिए जी आयल भी जो इसमें जी शामिल हो चुका है। और अब हम चलते हैं जी अपने कौरमे की जानिब। ये देखिए जी कौरमा हमने दो देगों में हमने तकसीम कर दिया था। तो ये कौरमे को जी अब हम जी गरम कर रहे हैं क्योंकि खाना जी अब हम डिलीवर करेंगे। तो ये देख सकते हैं इसमें हमने नारियल पाउडर जो इसमें हमने शामिल करा है। तो नारियल पाउडर हमने शामिल करा है जी 25 ग्राम। ये देख सकते हैं जी 25 ग्राम जो नारियल पाउडर शामिल करने का, इसको जी अच्छे से जी हम कबीर की मदद से जी मिक्स भी कर देंगे। और साथ ही फिर इसमें जी कौरमे का जो गर्म मसाला है वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसमें फिर हम शामिल करेंगे जी अदरक कटी हुई, तो आधी अदरक इसमें हम अभी शामिल करें, आधी जब हम खाना सर्व करेंगे तो उस टाइम फिर जो है हम अदरक इसमें ऊपर से शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कौरमा बिरयानी और खीर हमारी तैयार है। तो हम उतना खाने को जी डिलीवर करेंगे जी पार्टी के पास। तो आप लोग जो है लाजमी कमेंट बॉक्स में जी कमेंट्स करके बताएगा जी आप लोग हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।